Hey, what's up, Legend Gang? And finally, surprise drop हो चुका है. Yes, तलानजम की तरफ से EP आई है और EP का नाम है Worth the Wait. दो गाने एक साथ ड्रॉप हुए हैं. Yes. एक पे हम रिएक्शन बना चुके थे, हमको लगा कि एक ही गाना होगा. हाँ, प्रैंक हो गया मतलब एक तरीके से. हमने सोचा वही गाना है, रोशन और मैंने फट से उस पर रिएक्शन बना दिया. फिर अपलोड करने जा रहा था, जैसे ही देखा फ्रंट पे वो आ गया 4 AM इन कराची. तो ये भसड़ हो गई ब्रो, भसड़ हो गई. और मैं घर पे आके रिकॉर्ड करके चला गया था सोने, फिर वापसी उठ के आया हूँ. यस. और हाँ, वो गाना हमने रिकॉर्ड कर दिया, एडिट भी कर दिया. हाँ, तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी उस वाले की, इस वजह से इसमें बता दे रहे हैं. तो दोनों आज ही अभी एक ड्रॉप हो जाएगी, एक के बाद एक ड्रॉप हो जाएंगी. तो आप एक के बाद एक देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. फाइनली ब्रो, वर्थ द वेट. हाँ भाई, पिछला गाना फाड़ू, उसमें देख लेना, मतलब वही जाके देखना. हमारे मजा आया कुल मिला के, ये कहने वाले. यस, बस चलते हैं. लेट्स गो मैन, लेट्स गो. उमर ने फाड़ रखा ब्रो. चार सैंपल ब्रो, सैंपल बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सैंपलिंग है ब्रो, मतलब सैंपल सिलेक्शन. सोल R&B बोलो, सोल बोलो, जो भी बोलो. ये शो बॉय. बाघ को तू शाख मत दिखा, छोटे मुझे आंख मत दिखा. तू रोशनी मत डाल मेरी जात पे, तू सूरज को चिराग मत दिखा. भाई बम बम हटेगा ब्रो, बिल्कुल बहुत सही. आंख मत दिखा और सूरज को तू चिराग मत दिखा, बिल्कुल तलंजुम पे बेस्ट लाइन बैठती है. मतलब उसको अंजुम को कोई आंख दिखाने का मतलब क्या कहते हैं, अगर एक इमेजिनेट करा जाए कि कैसे लगेगा, तो ब्रो ऊपर ऐसा है सूरज को चिराग दिखाने वाला. बिल्कुल गोटेड लाइन ब्रो. हाँ, गोटेड लाइन. लेट्स गो मैन. इजाद पे तू सूरज को चिराग मत दिखा, हिसाब कर चुका अपने अमाल का, बेहद गुनाहगार बेहद खताकार बहस बेकार. आई एम द किंग ऑफ द शिट, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है फिर भी लगे फिल्म. ये कितने लायक है वो ब्रो, लाइन ब्रो बहुत सही. स्क्रिप्टेड नहीं है फिर भी लगता है फिल्म है ब्रो. फिल्म स्क्रिप्ट होती है पर ये फिल्म है लेकिन स्क्रिप्टेड. लाइफ इज अ मूवी ब्रो, लाइफ इज अ मूवी. अंजुमगी ब्रो, ये कितने लायक है वो मेरी विजन से. वो तो हंसा करते थे मेरे जिक्र पे, बिग टॉक्स पेने 200 लेकर पे. लड़के बातें करते सारी देर, आई एम बिगर देन. उनके इज्जत उनके चेहरों पे दिख रहे पर इनकी पहुंच में ना बॉय तेरा वैसे भी. दिस इज द मैरिट. भाई एक तरह से कह रहा है कि ये लोग बातें करते हैं कि ये बड़े हैं पर मेरी पहुंच तक नहीं है, मुझे नहीं टच कर सकते ब्रो. हां बहुत सही. के चेहरों पे दिख रहे पर इनकी पहुंच में ना बॉय तेरा वैसे भी. दिस इज द मैरिट टू द गेम पर ये कैसानोवा कॉम्प्लेक्स जहां वो चाहते नंबर्स. इट्स नॉट अबाउट द लेगेसी, आई एम दैट सेम किड. ओके जोड़े फॉर ओके, नंबर चाहते हैं ना लेगेसी. और भाई ये मैरिट टू द गेम करके लाइन है क्या, कैसानोवा कॉम्प्लेक्स, मेरे को नहीं समझ आया. कैसानोवा मतलब जो एक लड़की बाद दूसरी लड़की पे, मतलब अच्छा गेम खेलने वाला एक तरीके का. ये मैरिड टू द गेम, मैरिड और हैं एक तरीके से चालवास टाइप है ना. बाय numbers, it's not about the legacy. I'm that same kid. Paise jode for recordings cause I meant it. Ghar mein studio banaya, I don't rent it. I'm in and out of city and it's hectic. Anti ab bhi karte shak, kitne skeptic. Tere fans ko kya yaad teri set list. Rockstar lifestyle and I'm reckless. 20 minutes in your party and I Brexit. Dekh mentality. Brexit? Bro, Brexit kya hota hai? Nikal jana bahar ek tarike se ki matlab haan. 20 मिनट फिर उसके बाद मैं बाहर चले जाऊंगा दूसरा शो करने, ऐसा कुछ भाई में शायद. डिफेंस को क्या याद तेरी सेट लिस्ट, रॉकस्टार लाइफस्टाइल एंड आई एम रेकलेस. 20 मिनट्स इन योर पार्टी एंड आई ब्रेक्सिट. देख मेंटालिटी. आई वाज 13 विद अ हेडफोन एंड अ हैंडहेल्ड माइक और बेतहाशा ऑडेसिटी. नाउ देखी पैसकिन में मैं कैसा करूं फील, छोटे आई एम गुड. अभी इधर हैं तो इधर के हम बाप लोग, तो कहानियां सुनाएंगे तुम्हें जो वो चले थे मेरे साथ लोग. तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले. ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में,
तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले, लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट और मेरी अपनी मेंटल स्टेट और 36 बीटे 36 बातें पीठ पीछे फीचर एंज मंगनो जिम में मैं वड़ा जे कोल मुझसे खार खाएंगे came from nothing रब की नेमत बेहिसाब भाई पे I got everything I need मुझे क्या चाहिए दिल की गली में बराए करम ना आइए I just sit back and think कितने मुझसे खार खाएंगे facts bro खाएंगे bro came from nothing रब की नेमत बेहिसाब भाई पे bro ये line बहुत ही अच्छी है भाई I got everything I need मुझे क्या चाहिए दिल की गली में बराए करम ना आइए कितना एम्प्टी है ब्रो बीट पर पे जो वो रिवर्ब है ना ब्रो गूंज रही है वो रूम तो नहीं है वो अरीना वाली ऐसी कुछ वर्ब है वो जो बहुत वाइड है ब्रो अरे वो कल बीच में कोई वोकल तो मजा आ गया भाई मतलब बहुत सही है लाइन तो कुछ कुछ बहुत सही कि एक तो वो कि आंख मत दिखा वाला ओ भाई चिराग सूरज को चिराग मत दिखा और हाँ मेरे को आंख वाली से याद आ जाती है गंगा जल मूवी अगर आपने देखी है नहीं देखी तो पता नहीं पर जिनने देखी है उसको पता है आग दिखाता है करके जो डायलॉग है भाई तो बहुत ही खतरनाक है वो डायलॉग वो बहुत सही लगा दूसरा ये एंड की लाइन है इनमें बहुत एक तो स्मूथनेस है बहुत ज्यादा बोलने के तरीके में खाली बन जैसा तो वो वोकल में भी एकदम खाली बन बस स्मूथ होके बोल रखा है भाई सही में यार मतलब पहुंच है ब्रो इस बंदे की पहुंच है ब्रो जो कहीं नहीं पहुंच पाता मेंटल स्टेट पे ब्रो ये वहां पे क्योंकि उसने बोला भी कि मेंटल मेरी मेंटल स्टेट भी है लोगों को आशाएं लगी हुई है एक तरीके से कि एल्बम कब गिराएगा एल्बम ये तो है भाई बहुत प्रेशर हो जाता है क्योंकि उसने लेवल स्टैंडर्ड ऐसे टच कर लिया ना क्या समझते हैं मतलब क्या समझते हैं ऊंचाई वाला मतलब बोले तो मेंटल स्टेट की इसलिए बात करी क्योंकि उसने वो लेवल जाके टच कर दिया ना और जब उसको फेंकना है तो उससे ऊपर फेंकना है हाँ, तो वो टेंशन है ब्रो उसके में मैं वहां तक पहले तो वही टच कर लूं मैं पर लोगों को उससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या मैं उनकी वो क्या कहते हैं आशाएं होते हैं हिंदी में इंग्लिश वाला वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा आशाएं जो है पूरी कर पाऊंगा तो वो मेंटल स्टेट हिला देती होगी भाई बंदे को हाँ और मेरे को मेरा साथ भाई मेरे को खुद ऐसा लगता है कि अंजुम ने तो फिर कौन मैं किसको मतलब वैसे भी एक ही बदला ये दिखता है मेरे को कि हाँ भाई किसको पहना है ऊपर ऊपर ले जा सकता है देसी पॉप का ताज किसको पहना है भाई ऊपर ऊपर ले जा सकता है मतलब गाने हर एक के बाद अपर और फिर अगर लाला अंजुम नहीं लाएगा तो कौन कौन लाएगा मतलब ये नहीं तो कौन बे फिर कोई सेंस नहीं बनता मतलब मेरी बात नहीं ऐसा हो जाता है भाई मतलब और ये सामने वाले के लिए प्रेशर है यस वही वो कह रहा है भाई मजा आ गया मेरी तो फेवरेट लाइन वही है कि भाई मतलब भगवान की दुआ है जे कोल वाला भी बड़ा भाई ब्रो मतलब क्या बोलें ब्रो मतलब गोटेड ट्रैक है ब्रो अगेन दुआला भी गोटेड है ब्रो ये भी गोटेड ट्रैक है वो मैं कहूंगा वो कराची वालों को बहुत ज्यादा फील होएगा क्योंकि उस पे वो कराची वाली वाइब्स है वहाँ की बातें करी हैं एकदम कोर स्ट्रीट की तो वो कराची वालों को बहुत ज्यादा हिट करेगा एंड ये जो है ये ऑल ओवर हर किसी को जो सुनेगा उसको हिट करेगा और वो मेरे कुछ अभी मतलब रिसेंटली जो भी इंसिडेंट हुआ है मुझे मतलब पता है उसके बारे में कहना नहीं चाहता तो लगता है कि वो ट्रैक उससे भी बहुत जुड़ा सा मतलब फील होता है उसके अपोजिट भी है मतलब उसमें ये भी लगता है कि हाँ भाई मतलब कि एक तरीके से जो पॉलिटिक्स वाले हैं या पावर में जो हैं उनके खिलाफ भी बोल रखा है मतलब सही बोल रखा है गलत कुछ नहीं बोल रखा जैसा उसको फील हुआ है और जैसा हो रहा है हाँ और हो भी रहा होगा जो तो क्योंकि अंजुम फालतू कुछ ऐसे नहीं बोलेगा इतना पता है तो वो चीज़ दिख रहा है मतलब हाँ तो बहुत सही है वो ट्रैक भी बहुत सही है ये भी बहुत सही है और दो ट्रैक एक साथ आ गए तो हाँ भाई मजा आ गया सरप्राइज सरप्राइज ब्रो और अब पता नहीं दो गाने से तो भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं नहीं मानता ये पीस को मुझे और गाने चाहिए आएंगे मेरे को तो क्योंकि तीन तो फेंकेंगे यार मेरे ख्याल से तीन सब देखो दो भी हो सकते हैं मैं कुछ ऐसे बुरा नहीं बोल रहा पर हाँ यार तीन होंगे तो तीन तो होने ही चाहिए यार क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बोलो अगर तीन नहीं फेंकते तो यार मेरे को बुरा लगेगा ब्रो प्लीज तीन गाने होने चाहिए ज्यादा होंगे तो और बढ़िया पर तीन तो होने चाहिए यार दो में मतलब मेरा तो भाई एक ही सीन है रेगुलरिटी बढ़ जाए बस तो मजा मतलब हाँ यस
जो सुन रहा हूँ उनको थोड़ा साइड करता रहा हूँ और इधर वाला अंजुमाते रहे, अंजुमाते रहे, अंजुमाते रहे। लेट्स गो मैन, मजा आ गया भाई, क्या गाना बनाया भाई, गोटेड गोटेड ब्रो, गोटेड, नथिंग एल्स टू से ब्रो। बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।